चलिए दोस्तों, सेल आ चुकी है, स्मार्टफोन की प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पर ऑफर आ चुके हैं और आपको चाहिए स्मार्टफोन, एक बढ़िया स्मार्टफोन जो कि आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं इसी सेल के अंदर। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल 2022 अब तक की सबसे ज्यादा तगड़ी वाली सेल। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप स्मार्टफोन को पसंद करोगे ना 7,000, 10,000, 15,000, 20,000 के अंदर, तो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी और आपके लिए स्मार्टफोन को सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैंने आपके लिए हर एक कैटेगरी के अंदर ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, रेडमी, सैमसंग, इंक्लूडिंग आईफोन के अंदर भी सबसे बेहतर डील और हर एक सेगमेंट के अंदर 7,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 फ्लैगशिप के अंदर आपके लिए बेहतर हो सकता है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वैसे दोस्तों जो स्पेक्स है ना, वो आपको शो कर दूंगा मैं डिस्प्ले के ऊपर, क्योंकि एक एक को रीड आउट करूंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी। अगर हम बात करते हैं कि भाई आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है, 7,000 रुपए इससे नीचे स्मार्टफोन क्या आएगा दोस्तों, 7,000 रुपए के अंदर पोको का C31 ये आपको मिल जाएगा, लगभग 6,000 रुपए के अंदर 5,000 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, ये दोस्तों आपको यहाँ पर एक बेसिक काम करवा देगा। इसके अलावा रियलमी के अंदर C30S ये स्मार्टफोन दोस्तों 6,250 के अंदर 5,000 mAh की बैटरी और फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि दोस्तों 6,000 रुपए के अंदर फिंगरप्रिंट आना अपने आप में काफी ठीक ठाक बात है ना, क्योंकि आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है। चलिए भाई, आपने थोड़ा सा बजट बढ़ा दिया, 7,000 से कर दिया 10,000, यानी कि 7 और 10 के बीच में स्मार्टफोन आएगा रियलमी का C33, 50 मेगापिक्सल का कैमरा दोस्तों 8,000 रुपए के अंदर आपका एक बढ़िया काम करवा देगा और बाकी स्पेक्स मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। एक और स्मार्टफोन आता है रेडमी का 10, ये दोस्तों स्नैपड्रैगन 680 के साथ में आपका एक बढ़िया काम करवा देगा, ये भी आता है लगभग 8,000 रुपए के अंदर, यानी कि आपका बजट है दोस्तों 7 से 10 का ना, तो ये दो स्मार्टफोन आपका एक बेहतर काम करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक डील ब्रेकर स्मार्टफोन जो कि है पोको का M4 Pro, ये स्मार्टफोन दोस्तों 9,750 के अंदर आपको है ना एमोलेड पैनल, G96 के साथ में 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 5,000 mAh की बैटरी, यानी कि दोस्तों अगर आप मुझसे पूछते हैं ना भाई 10,000 के नीचे डील ब्रेकर पोको का M4 Pro। और ये जो स्मार्टफोन दोस्तों, इनकी मैंने आपको लगभग सभी स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टेस्टिंग, कंपैरिजन आपको मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन, सारे लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आपने बजट को जरा सा बढ़ा दिया 10 से लेकर 15,000, Realme का 9i 5G जो कि अभी आया था ना, न्यू लॉन्च स्मार्टफोन, ये दोस्तों डिजाइन के अंदर काफी तगड़ा है, ये कंटेन करता है Dimensity 810 को, जो कि आ गया दोस्तों एक 5G स्मार्टफोन। अगर आपकी सिटी में, आपकी स्टेट के अंदर 5G आ गया है ना, तो 11,000 के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ में ये स्मार्टफोन आपका एक बेहतर काम करवा देगा 11,000 रुपए के अंदर। अब दोस्तों 14,500 रुपए के अंदर मोटोरोला का G62, अगर आपको चाहिए भाई एकदम नीट एंड क्लीन नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड, मोटोरोला का यही स्मार्टफोन दोस्तों आपका बेहतर काम करवा देगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 के साथ में 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में, और दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस है ना, ये स्मार्टफोन लाइट वेट होते हैं, काफी पतले होते हैं, आपका एक बेहतर काम करवाएगा मोटो का G62। लेकिन दोस्तों 14,000 रुपए के अंदर एक डील ब्रेकर आता है पोको का X4 Pro 5G, ये स्मार्टफोन दोस्तों 14,000 की रेंज के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 आ गया, यहां पर आपको एमोलेड पैनल दिया गया है विद फास्ट चार्जिंग, ये दोस्तों आपका एक बेहतर काम करवा पाएगा, यानी कि 10 से लेकर 15,000 की रेंज के अंदर दोस्तों एक डील ब्रेकर हो सकता है पोको का X4 Pro 5G। चलिए दोस्तों, अब बजट आता है 15,000 से लेकर 20,000 रुपए का। पहला स्मार्टफोन Realme का 9 Pro Plus, ये स्मार्टफोन दोस्तों मैंने आपको इसकी दी थी अनबॉक्सिंग, ये स्मार्टफोन डिजाइन के अंदर काफी तगड़ा है, कैमरा के अंदर डील ब्रेकर है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 के साथ में, एमोलेड पैनल, MediaTek Dimensity 920 के साथ में, 5G रेडी स्मार्टफोन, ये दोस्तों अपने आप के अंदर 15-20 हज़ार में अगर आपको चाहिए कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, Realme का 9 Pro Plus। कंप्लीट वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट ऑल द डिटेल्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं 20,000 रुपए के अंदर Xiaomi का स्मार्टफोन 11i HyperCharge, प्रोसेसर सेम है MediaTek Dimensity 920, लेकिन दोस्तों HyperCharge 120 वॉट की चार्जिंग, आपको स्मार्टफोन है ना चार्ज करना है फटाफट से, आप ऑफिस वर्क करते हैं, फील्ड जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है स्मार्टफोन को रोकने का, आप दोस्तों नहा के आइए ना, तैयार होइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, आपका स्मार्टफोन 15 मिनट के अंदर
फुल्ली चार्ज आप इसे दोस्तों कंसीडर कर सकते हैं, Xiaomi का 11i हाइपर चार्ज। अगला स्मार्टफोन Vivo का T1 Pro 5G, ये स्मार्ट दोस्तों 18,000 रुपए के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा, इसके अलावा Qualcomm Snapdragon 778G जो कि दोस्तों अपनी सेगमेंट के अंदर है ना काफी ज्यादा तगड़ा, काफी ज्यादा स्टेबल प्रोसेसर है, तो हाँ आप इसे कंसिडर कर सकते हैं Vivo का T1 Pro 5G 18,000 रुपए के अंदर। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन हो गए ना लेकिन एक डील ब्रेकर, 15 से लेकर 20,000 के अंदर एक डील ब्रेकर स्मार्टफोन Poco का F4 5G। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, चार्जिंग ये सब कुछ ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन एक डील ब्रेकर क्यों हुआ? Qualcomm Snapdragon 870 के कारण दोस्तों। अगर आप करते हैं गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो एडिटिंग कुछ भी ना, आपको दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया एक डील ब्रेकर काम करवाएगा Poco का F4 5G। अब दोस्तों 30,000 रुपए के आसपास के स्मार्टफोन यहां पर आता है Nothing Phone 1, लेकिन दोस्तों इससे मैं आपको ना बिल्कुल मना करूंगा कि आपको इसकी तरफ देखना भी नहीं है। यहां पर दोस्तों ग्लिफ इंटरफेस आता है ना, लाइटनिंग के अलावा कुछ भी बढ़िया काम नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से Nothing Phone 1 मेरे हिसाब से काम का नहीं है। इसके अलावा Realme GT Neo 3T न्यू लॉन्च स्मार्टफोन दोस्तों आपको मिल जाएगा 23,000 रुपए के अंदर, Qualcomm Snapdragon 870, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, द मोस्ट स्टेबल स्मार्टफोन, ये दोस्तों आपका एक बढ़िया काम करवा देगा। डिजाइन पैटर्न ये भी दोस्तों यहां पर काफी तगड़े हैं, कूलिंग सिस्टम आ गया, तो आपका एक बढ़िया काम करवाएगा Realme GT Neo 3T। अब दोस्तों स्मार्टफोन आता है Google का Pixel 6a, ये स्मार्टफोन दोस्तों आया था 44,000 रुपए में, लेकिन ऑफर लगाने के बाद में आपको मिलता है ये 27,700 रुपए के आसपास। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपके लिए Google की चिप आ गई, Google Tensor, यहां पर आपकी प्रोटेक्शन के लिए अलग चिप और आती है, यानी कि आपका एक बेहतर काम करवा सकते दोस्तों फोटोग्राफी के लिए, ये स्मार्टफोन बहुत ज्यादा तगड़ा है Google Pixel 6a। चलिए दोस्तों Samsung Galaxy S21 Fan Edition, ये आपको मिलता था लगभग 44,000 या फिर 50,000 रुपए के आसपास, लेकिन ऑफर में आपको मिलता है 32,000 रुपए के अंदर, Samsung का द प्रीमियम सेगमेंट, और कैमरा के अंदर दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा तगड़ा है Galaxy S21 Fan Edition, इसे दोस्तों आप कंसीडर कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों मैंने आपको कंपेयर वीडियो दी है Google Pixel 6a और S21 FE की, चेकआउट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपकी काफी मदद वहां पर हो जाएगी। अब दोस्तों आपका बजट चाहता है भाई एकदम फ्लैगशिप के अंदर 50,000 रुपए के आसपास, आपके लिए स्मार्टफोन कौन सा आएगा? Samsung Galaxy S22 Plus, ये स्मार्टफोन दोस्तों अपनी प्रीमियम सेगमेंट, एक बढ़िया परफॉर्मेंस, Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ में बढ़िया कैमरा, एक ओवरऑल स्मार्टफोन दोस्तों आपके लिए कह सकते हैं कि हाँ एक एंड्रॉयड की दुनिया के अंदर सबसे बेहतर स्मार्टफोन इस सेगमेंट के अंदर Galaxy S22 Plus। एंड्रॉयड की दुनिया का ये बादशाह हो गया ना, लेकिन दोस्तों एप्पल के अंदर आईफोन 13 ये दोस्तों 50,000 रुपए के अंदर आपका एक बेहतर डील करवा सकता है, 128 GB वाला वेरिएंट 50,000 के अंदर, ये दोस्तों अपने आप के अंदर काफी बेहतर डील है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्मार्टफोन सोचा है जिसे आप लेना चाहते हैं, आपके लिए ऑफर सेट नहीं लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रही है दोस्तों, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं दोस्तों, आपको वहां पर रिप्लाई, मेरा सजेशन आपके लिए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है दोस्तों सारी जानकारी एज अ फ्रेंड मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर दूंगा, कमेंट या फिर डीएम ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि 7 से लेकर 50,000 60,000 की रेंज के अंदर मैंने आपको बेस्ट स्मार्टफोन बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपकी काफी मदद हो जाएगी। और ठीक है दोस्तों, वीडियो आपने याद थे वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग, जय हिंद। याद रखना दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन आ रही है स्मार्टफोन को खरीदने के अंदर, डायरेक्ट कमेंट या फिर डीएम ऑन इंस्टाग्राम, रिप्लाई आपको वहां पे जरूर से मिल जाएगा। जय हिंद।